रांची में शिक्षा मंत्री और पारा शिक्षकों की वार्ता में बड़ी सहमति बनी है। पारा शिक्षकों को 2950 रुपए ईपीएफ दिया जाएगा, जबकि 1000 रुपए मानदेय में भी बढ़ोतरी की गई है। इसके साथ ही अनुकंपा पर अनुबंध कर्मियों को रखने का भी फैसला लिया गया है। शहरी क्षेत्रों में तैनात पारा शिक्षकों को 4% सालाना वेतन वृद्धि भी तय किया गया है, जो लागू भी हो जाएगा अगला कैबिनेट में, कि हम लोग का अब ईपीएफ जो है ईपीएफ का लाभ मिलेगा और इसमें सरकार की भी भागीदारी है और बहुत आंशिक रूप से हमारी भी भागीदारी होगी, लेकिन कम से कम अब बुढ़ापा हमारा सुरक्षित हो गया, ये हम लोग के लिए बड़ी खुशी की बात है। ईपीएफ लागू हो गया। दूसरी बात यह है कि अनुकंपा का जो लाभ मिलना था वह पहले था कि जो टेट पास रहेंगे जिनका आश्रित उनको लाभ मिलेगा, लेकिन अब योग्यता के आधार पर होगा। मतलब कि अगर हमारी वाइफ, हमारी बेटी चाहे बेटा अगर साधारण भी योग्यताधारी है तो उसको अब अनुबंध कर्मी में उसकी बहाली हो जाएगी। जे टेट हम पर लागू नहीं होना चाहिए 2010 के पहले, उन्होंने स्वीकार किया कि इस पर नियमानुकाल इस पर विचार करेंगे। साथ साथ जो हमारे वेटेज देने की बात है, तो जो हर विषय में पास होने की बात है, वो अनिवार्यता को खत्म कर दिया जाएगा और मोटा मोटी हमारा ईपीएफ तो लागू हो ही गया। सरकार हमारा 1950 रुपया और 1000 मानदेय के रूप में हमको मिलेगा। मोटा मोटी 3000 रुपया मानदेय की बढ़ोतरी हुआ। ईपीएफ का हमारा बहुत लंबित मांग था जिसको पूरा कर लिया। कंपा पे सीधे नौकरी नहीं हो सकती है, लेकिन अनुबंध कर्मी जो होते हैं विभाग में, उसमें उनके आश्रित जो मृतक टीचर होगा तो उसके आश्रित को उसमें वेटेज देंगे हम लोग, तो एक निर्णय हुआ। और बाकी सेवा संपुष्टि जो प्रत्येक साल होता है उससे राहत हो गई उनको। हमने कहा कि एक बार जिसका सेवा संपुष्ट हो गया तो बार बार सेवा संपुष्ट करने की आवश्यकता नहीं है, तो हो गया। बाकी जो विषय थे छोटे छोटे थे, मूलतः दो ही प्रमुख विषय, एक ईपीएफ और दूसरा 1000 रुपये मानदेय वृद्धि, तो इस पर सहमति बन गई और सभी लोग सहमत हो गए।